अभी कल हमारे पास में कुछ बेटियां आई थी, वो पूछ रही थी कि मैंने सुना है आप लड़कियों की छाया नहीं पढ़ने देते। तो मैंने कहा छाया तो पढ़ सकती है लेकिन लड़कियों की माया नहीं लगने देते। वो पूछ रही थी और ये भी पूछ रही थी क्या गुरु का वैराग्यवान होना जरूरी है। तो मैंने कहा बिल्कुल जरूरी है, शकर का मीठा होना जरूरी है, मिर्चा का कड़वा होना जरूरी है, भैंस का दूध देना जरूरी है और फूल को खुशबू देना जरूरी है, तो संत को वैराग्यवान होना जरूरी है। जिस शकर में मिठास नहीं उसको शकर कौन कहेगा। और जिस गुरु में वैराग्य नहीं वो गुरु किस काम का है। वैराग्य तो गुरु की जान है और मेरा फार्मूला रहता है कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जैसे अभी आपने देखा बहुत बाबा लोग बदनाम हुए, देखा है ना, सुना है, उस टाइप के बाबा लोग हम नहीं। हम ना बांस रखते ना बांसुरी बजाते, सब साफ सुथरा काम रखते हैं, एकदम फिट रहनी कहीं। हम किसी माता बहन को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते सख्त रूप से, अगर वो बैठेगी तो हम नहीं बैठेंगे, गाड़ी उसको दे देंगे कि जाओ इनको छोड़ के आ जाओ, कहीं इमरजेंसी है तो। ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरे जन्मभूमि में कार्यक्रम था, वहां से विदा होकर दूसरे गांव में कार्यक्रम था, तो मेरी माता जी जाना चाहती थी। उस समय मेरे पास मिनी बस थी, वो माता जी ने अपना थैला बस में रख दिया। मैं जब चढ़ा संतों से पूछा कि ये थैला किसका, बोले माता जी का। कौन माता जी, बोले आपकी माता जी। तो मेरी माता जी को कौन मना कर सकता था, क्योंकि मैं आदमी था। तो मैंने माता जी को बुलाया, मैंने कहा आपका थैला है, क्या इरादा है। तो बोले हम भी जाना चाहते हैं, अगला जो प्रोग्राम है उसमें व्यवस्था देखेंगे, वो हमारे रिलेशन वाले प्रोग्राम करा रहे हैं। तो हमने संतों से कहा तुम सब उतर जाओ नीचे, और ड्राइवर से कहा माता जी को बिठा के वहाँ छोड़कर बस फिर वापस आएगी तब हम लोग चलेंगे। तो माता जी ने कहा क्यों। हमने कहा क्योंकि हम जानते हैं तुम मेरी माता, तुम जानती हो ये मेरा बेटा है, लेकिन सड़क पर जब गाड़ी निकलेगी और तुम्हारी लाल रंग की साड़ी उड़ेगी, लोग देखेंगे तो कहेंगे असंग साहब औरतों को साथ में रखते हैं, तुम्हारे बेटे के ऊपर बदनामी का दाग लगेगा, इसलिए मैं उतर जाता हूं। तो मेरी माता जी ने कहा कि मैं ही उतर जाती हूं। तो हमने कहा तो तुम उतर जाओ, दूसरी गाड़ी से जाना। तो वो उतर गई थैला लेकर के। तो उन्होंने उसी समय कहा था कि तुम बहुत महान संत बनोगे, फिर कहा था कि इतनी सावधानी जब अपने माँ के साथ में है तो दूसरी लेडीज की तो बात ही खत्म हो गई, इतनी सावधानी संत को रखना चाहिए। तुलसीदास ने कहा है आप दारू पियो न पियो लेकिन दारू दुकान पर खड़े हो जाओगे तो भी आप बदनाम हो जाओ, आप वेश्यालय में कुछ गलती करो ना करो वेश्यालय की गली में निकल जाओगे तो बदनाम हो जाओगे, आप किसी माता बहन के साथ में गलती करो ना करो लेकिन साथ में ज्यादा सेट कर रहोगे तो बदनाम हो जाओगे। इसलिए याद रखना सफेद कपड़े में दाग लगने से ज्यादा सावधान रहना पड़ता है और काले कपड़े में दाग लगने में सावधानी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो काला है, वो सब दागों को छिपा लेता है, पर सफेद कपड़ा सब दागों को उभार कर बता देता है। इसलिए संत को बहुत सावधानी रखना चाहिए। और माताएं बहनें बहुत शक्तिवान होती हैं, माताओं बहनों से मैं बहुत प्रेम रखता हूँ, कोई इसका अर्थ ये मत लेना कि गुरुदेव नफरत करते, नफरत नहीं करता, मैं बहुत प्रेम रखता हूँ। लेकिन याद रखना तुम चूल्हे से प्रेम करते हो, चूल्हे की आग से प्रेम करते हो, रोटी से प्रेम करते हो, लेकिन रोटी जब चूल्हे की आग में सेंकते हो तो चिमटा पकड़कर सेंकते हो, हाथ से नहीं सेंकते हो, क्योंकि हाथ आग में जल जाएगा इसलिए चिमटा पकड़ लेते हो। इसी प्रकार से हम माताओं बहनों का कल्याण तो करते हैं, इनके कल्याण की रोटी तो सेंकते हैं, लेकिन माया मोह की आग में संयम नियम विवेक वैराग का चिमटा पकड़ करके इनकी रोटी सेंकते हैं ताकि कहीं हम न जल जाए। हंसता खूब,
हंसता हूं, प्रेम करता हूं, बहुत सरल व्यक्तित्व रखता हूं, किसी से ऐसा नहीं अहंकार करूं या डांटूं, इधर उधर करूं, ऐसा नहीं, हर समय फकवास नहीं करता हूं, सबको प्रेम से समझा देता हूं। लेकिन हर माता बहन चाहती कि हमारे असंग देव बेदाग रहे, चाहती कि नहीं चाहती। हर पुरुष चाहता है, गौरव के साथ कहना चाहता है, हाथ उठाकर बोलना चाहता, कर देखना है गुरु को तो मेरे असंग देव को देख लो, क्या साफ सुथरा क्लीन जिंदगी है। तुम्हारे गौरव को ऊंचा उठाने के लिए हम ऐसी जिंदगी जीते, ये लचपचा काम नहीं करता। तुम दिल खोल करके हजारों में बाजारों में कह सको हमारे साहब ऐसे हैं। और मुझे पुरुष बंधुओं से भी बहुत प्रेम है और गरीब अमीर का भेद नहीं मानता। यहाँ एक चाट बेचने वाले हमारे बैठे हैं, खड़े हो प्रेमलाल, प्रेम जी खड़े हो, ये भवानी मंडी में चाट बेचते हैं, ये मेरे पास माला पहनाने आए, कई साल बाद मिले तो हमने कहा प्रेम जी कुशल मंगल है, चाट की दुकान ठीक चलती है। एक चाट बेचने वाले को नाम से याद रखता हूँ, उसकी चाट भी याद रखता हूँ कि चाट बेचता है, ये छोटी बात नहीं। नहीं जो चाट वाले की कौन गिनती हमारी लाइन में, हमारे पास में तो राष्ट्रपति भी हमारा सम्मान करता है, वो प्रोग्राम में बुलाता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बुलाता है, तो जो राष्ट्रपति के साथ खड़ा हो जाए चाट वाले को कहाँ याद रखेगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति है लेकिन चाटपति चाटपति है, वो भी कुछ है। हाँ, भगवान राम को विजय दिलाने वाले सहारा देने वाले कौन थे, रीछ भालू बंदर ही थे। भगवान राम को सहारा देने वाले कोई राजा महाराजा ज्यादा नहीं थे, रीछ भालू बानरों के सहयोग से लंकापति को जीता था उन्होंने। याद रखना, ये गरीब लोग ही, ये कमजोर लोग ही, ये सारे लोग मिल करके ही गुरुदेव को भगवान बना देते हैं, इसलिए गुरुदेव को किसी को भूलना नहीं चाहिए। सज्जनों और देवियों, आदमी तब तक बड़ा होता है जब तक वो छोटों को पहचानता है, भगवान तब तक भगवान रहता है जब तक अपने भक्त को पहचानता है। जिस दिन भक्त की पहचान भूल जाती है उस दिन भगवान का निशान खत्म हो जाता है। गुरु तब तक गुरु रहता है जब तक अपने शिष्य को जानता है, क्योंकि गुरु स्वयं गुरु नहीं बनता है, उसके शिष्य लोग उसको गुरु बना देते हैं। कोई माँ स्वयं माँ नहीं बनती है, बच्चा जन्म लेकर उसको माँ का स्थान देता है। कोई बाप स्वयं बाप नहीं बनता है, बालक जन्म लेता तब उसको बाप का दर्जा देता है। कोई स्त्री सासू स्वयं नहीं बनती है, लाड़ी आती तब उसको सासू की डिग्री देती है। इसलिए याद रखना, अगर सासू बनने का आनंद लेना है तो लाड़ी को संभाल कर रखना पड़ेगा, और माँ बाप बनने का आनंद लेना है तो बेटे और बेटी को संभाल कर रखना पड़ेगा, और गुरुदेव की डिग्री पर बैठे रहना है तो अपने शिष्य और भक्तों को संभाल कर रखना पड़ेगा। जरा रूपम हरति धैर्य आशा, मृत्यु प्राणान धर्माचर्याम असूया। मनुष्य के सुंदर रूप को कौन हरता है, बुढ़ापा। मनुष्य की आशा उसके धैर्य को तोड़ देती है। यदि किसी चीज को प्राप्त करने की आशा है, उस चीज प्राप्त होने में देर लग रही है तो आपका धैर्य टूटने लग जाता है। धैर्य को तोड़ने वाली आशा, और जिसके पास कोई आशा नहीं है वो निराशा में डूब जाता है। जिसके पास आशा नहीं वो निराशा में कैसे डूब सकता है, कभी नहीं डूब सकता है। क्योंकि आशा जब होती है, आशा पूरी नहीं होती तब निराशा आती है, और आशा ही नहीं है तो पूरी होने का सवाल ही नहीं है, तो निराश होने की जरूरत भी नहीं। जिसने आशा को मार दिया उसकी निराशा अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखना,
ये भी कहा गया है कि जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है वो जीते जी मुर्दा होता है, मुर्दा के पास कोई आशा नहीं होती है। निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा हो जाता है। कभी बिजनेस में फेल हो जाए आप, लेकिन निराश मत होइए। राजनीतिक चुनाव में आपकी हार हो जाए, फिर भी निराश मत होइए। आपकी सर्विस में बाधा आ जाए, आप सस्पेंड हो जाए, निराश मत होइए। और आपका धन खो जाए, फिर भी निराश मत होइए, क्योंकि निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति, उसकी सांस तो चलती है लेकिन आस नहीं है, निराश है, हताश है, उदास है, वह व्यक्ति फिर प्रयास भी नहीं करता है। और जिसके अंदर आस रहती है वो प्रयास करता है, और प्रयास करता है तो एक दिन वो सफलता को भी प्राप्त करता है। सदैव प्रयास करते रहिए। ज्यादा घर में बोला मत करो। महिलाओं से भी कहूंगा, आज से संकल्प ले लेना तो मनमोहन सिंह बन जाना। बोलना मत, मौन, चुप रहो, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाइए। अपने पति को भी ज्यादा डांटिए मत, ये बेचारा वैसे भी बहुत दुखी रहता है। और ये सभी पति ये तो सड़क पर निकलते हैं तब लंबा कुर्ता पहनकर, सेदरी पहनकर, कोट पतलून पहनकर, टाई लगाकर, घड़ी बांधकर, मोच पर ताव देकर निकल पड़ते हैं। लगता है कुछ दमखम है, लेकिन ये सारे के सारे घर में जाकर के इतनी डांट खाते हैं, इतना ये तो इनकी पत्नियां इतना रहम करती हैं कि इनको भी सड़क पर नहीं डांटती, नहीं चौराहे पर भी तमाशा हो सकता। सीतापुर जिले में मेरा प्रवचन था एक वर्ष पहले, तो मैं मंच से उतरा, गाड़ी में बैठा और बिजली चली गई उसी समय, तो एक स्त्री अपने पति को सड़क पर डांट रही थी। पंडाल से बाहर निकला, सड़क आ गई जैसे ये सड़क, और उसके पति को भी मैं जानता था, पत्नी को भी जानता था, उनके घर भी 3 बार गया हूं, और डांट रही थी उसको। अंधेरा था तो देख नहीं पाया गुरुजी की गाड़ी है। तब तक बिजली आ गई तो देखा गुरुजी बैठे हैं, तो पत्नी भी सिकुड़ गई और पति भी शर्मिंदा हो गया कि इज्जत सब चली गई सड़क पर डांटा गया। इसलिए कभी इन दुखी आत्माओं को सड़क पर मत डांटना। मान जाना देवियों, अब मान जाएंगी तुमको राहत दूंगा जरूर, कुछ ना कुछ 3 दिन में कुछ तो फायदा करा के जाऊंगा। और वो नारी महान है जो अपने पति को बहुत प्रेम करती है, वो पति भी महान है जो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है, और जो अपनी पत्नी के डांटने से भी नाराज नहीं होता है वो पति वास्तव में शंकर भगवान जैसा होता है। याद रखना, आपको यदि आपकी पत्नी डांटती है तो आपको सुपर क्लास का पति बनाना चाहती है, इसलिए डांटती है। उसको जहां जहां तुम्हारे में कमी दिखती है वहां वहां वो डांट लगा देती है। और यदि आपका पति आपको डांटता है तो पति के पैर छू लेना कि धन्य हो पति देव। घर में मैं थी तो मेरी माँ डांटती थी, मेरा बाप डांटता था, ससुराल आई हूं तो तुम डांटने के लिए मिल गए हो। कम से कम डांट खा कर भी मेरी जिंदगी सुधर जाए तो ये भी कोई कम नहीं है। और मेरा पति मेरा इतना ख्याल करता है, मुझे अपनी जिंदगी की भी कोई गम नहीं है, और मेरा पति कोई कम नहीं है, ऐसा सोचो। जो स्त्रियां चाहती हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र हो, उनसे मैं निवेदन करूंगा
सुबह शाम अपने पति के पैर छू लिया करो और ये भी निवेदन करूंगा कि अपने पति से एक हफ्ते में एक बार पूछ लिया करो, कुछ सुधार करना हो तो बताइए, मैं सुधार करूंगी। और ये भी पूछ लिया करो कि आप बहुत मेहनत करते हो, इतनी चिंता फिक्र करके धन कमा कर लाते हो और मैं घर में आराम से रहती हूं, मेरी सेवा के लिए सारी टेंशन लेते हो, धन्य हो पति देव। इस बात को कहने से तुम्हारे पति की थकान उतर जाएगी, उसकी चिंता कम हो जाएगी, मुस्कान आ जाएगी। और हर नारी को सोचना चाहिए कि तुम्हारा पति कितने संघर्ष कर रहा है। यदि आपका पति पुलिस विभाग में सर्विस करता है, जहां ड्यूटी लग जाती है वहां बेचारा खड़ा रहता है, या पुलिस विभाग से जवान आए हैं, कुछ जवान सड़क पर खड़े हैं, कुछ चौराहे पर खड़े हैं, कुछ इधर खड़े हैं, हम आप तो बैठे हैं प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन वो बेचारे धूप में खड़े रहेंगे, पानी बरसे तो भी खड़े रहेंगे, ठंडी हो तो खड़े रहेंगे, गर्मी हो तो खड़े रहेंगे, धूल उड़ रही हो तो खड़े रहेंगे, वहां ड्यूटी होगी। और ये सब ड्यूटी वो पति तुम्हारा क्यों कर रहा है? क्योंकि 40,000 महीने में मिलेंगे तो अपने वाइफ के हाथ पर रुपये रखूंगा, मेरे बच्चे मेरी वाइफ का खर्चा चलेगा, इसके लिए वो व्यक्ति इतना कष्ट उठा करके ड्यूटी देता है। आप अपने पति को धन्यवाद जरूर देना कि तुम महान हो जो मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाते हो। आपका पति मिलिट्री में है, गाजीपुर जिले में मेरा सत्संग था, राजकुमार मिलिट्री अफसर की पत्नी रोने लगी, गुरुदेव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर मेरे पति की ड्यूटी लगी है, कहीं मार न डाले जाए वहां। तो हमने कहा तुम दुखी ना हो, रो ना। बोले कोई लड़का भी नहीं है, तुमने कहा लड़का भी होगा, पति मारा भी नहीं जाएगा और ट्रांसफर भी होगा, तो तीनों बातें एक साथ हो गई, लड़का भी हुआ एक साल में, ट्रांसफर भी हुआ, पति मारा भी नहीं गया। तो मुझे पधरौनी बुलाया, पधरौनी में 80,000 दक्षिणा दिया, पधरौनी में 80,000 दक्षिणा एक घंटा के लिए। तो मैंने कहा बहुत दक्षिणा दिया है, बोले आशीर्वाद भी तो बहुत दिया है, पति का ट्रांसफर भी हो गया, लड़का भी हो गया और साथ साथ में पति मरा भी नहीं, बच गया। मन से अगर भक्ति करोगे, मन से श्रद्धा रखोगे, आत्मा से गुरु को चाहोगे, तो गुरु से बताओ न बताओ, अगर तुम्हारा गुरु सच्चा है, तपस्वी है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, आपका गुरु वैराग्यवान है, वास्तव में पहुंचा हुआ संत है, तो आप उनको बताओ या न बताओ, अपने मन में मन्नत मान लो तो भी आपका काम बन जाएगा। ये हमारा आपका रिश्ता, भक्ति का नाता, जन्म जन्म का नाता है। दूर दूर से जो भक्त आत्माएं हैं वे प्रेम के फूल लेकर के आई हुई है। पास गांव में बैठे हुए कुछ लोग जिनमें भक्ति नहीं है वे अभी यहां तक नहीं पहुंचे हैं। भक्ति बाहर की दूरी को खत्म कर देती है, और जब तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तुम्हारे क्षेत्र में ही गुरुदेव इष्ट देव आते हैं। शिवरी की भक्ति जब पक गई थी तो राम स्वयं शिवरी की कुटिया में गए थे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की तू हद कर दे, और यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, इतनी आपकी भक्ति होनी चाहिए। अरब खरब लो भक्ति हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के बराबर फिर भी नहीं तौला जा सकता।
शिवरी के पास में न राज्य है न धन है, लेकिन भगवान राम शिवरी की कुटिया में जाते हैं, क्योंकि सोने चांदी रुपयों की गड्डी का धन तो नहीं है, लेकिन भक्ति स्वयं एक बहुत बड़ा धन है। भक्ति रूपी धन से आकर्षित होकर के भगवान श्री राम शिवरी के आश्रम में पहुंचते हैं। और भक्त का घर केवल घर नहीं होता है, वो आश्रम की तरह होता है। अपने घर को आश्रम समझना, और आश्रम का अर्थ होता है आइए और श्रम कीजिए, उसका नाम आश्रम है। आइए और सो जाइए, उसका नाम आश्रम नहीं, वो तो आलस्य है। आइए और श्रम कीजिए। और गृहस्थ आश्रम हो चाहे संत आश्रम हो, आश्रम में नंबर एक आने वाले अतिथि को आश्रय मिलना चाहिए। जहां आश्रय मिले उसका नाम आश्रम है। नंबर दो, जहां आहार मिले उसका नाम आश्रम है। नंबर तीन, जहां आराम मिले उसका नाम आश्रम है। आराम भी होना चाहिए, तकलीफ ना हो। नंबर चार, जहां आत्मज्ञान मिले उसका नाम आश्रम है। जहां आत्म शांति हो उसका नाम आश्रम है। और जहां आनंद भी हो उसका नाम आश्रम है। इसलिए कितने लोगों के घरों में बहुत कलह कलेश है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। सुबह से लेकर के शाम तक सासू बहू लड़ती रहती है। कितने घरों में पति पत्नी ही लड़ते रहते हैं। और जिस घर में कलह कलेश बहुत होता है, उस घर में लक्ष्मी रूठ जाती है, वहां दरिद्र आ जाता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अगर चाहते हो कि मेरे घर में संपत्ति आए, लक्ष्मी आए, हम धनवान बने, तो आज से संकल्प ले लेना, पति पत्नी लड़ाई मत करना, सासू बहु कलह कलेश मत करना, बाप बेटे विवाद मत करना, इशारे से काम किया करो। पिता पुत्र में प्रेम होना चाहिए। और यह भी याद रखना कि जिस व्यक्ति में सहनशीलता होती है, गम खाने की शक्ति होती है, वह व्यक्ति वाद विवाद का अंत कर देता है और अपने घर को बसंत कर देता है और अपने हृदय को संत कर देता है। सहनशीलता को बढ़ाइए। किसी ने छोटी सी बात कह दी, अब उसको आप जिंदगी भर याद रखते हो कि 5 साल पहले हमको ऐसा कहा था। उसको भुलाइए। नेगेटिव बातों को भुलाने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिव तथ्यों को याद रखने की कोशिश कीजिए। यदि तुम्हारे साथ में किसी ने कुछ अच्छा किया है, उसको हमेशा याद रखिए, धन्यवाद दीजिए। और यदि आपके साथ में किसी ने बुरा किया है, उसको कोशिश करिए कि शाम तक भूल जाइए। क्योंकि नेगेटिव बातों को जब तुम याद रखते हो, तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा होता है, तुम्हारे अंदर अशांति पैदा होती है, तुम्हारे अंदर जलन पैदा होती है, तुम्हारे अंदर गुस्सा आती है। और जब पॉजिटिव पॉइंटों को याद करते हो तो उपकार भाव से तुम भर जाते हो, प्रेम भाव से भर जाते हो। और मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की दृष्टि होती है। आप निगेटिव दृष्टि रखेंगे, पॉजिटिव दृष्टि रखेंगे। अपने सासू के गुणों को भी देखो। जितनी बहुएं अपनी सासुओं से बहुत नाराज रहती हैं, उनको एक बार इस दृष्टि से देखना चाहिए कि मेरी सासू ने जिस बच्चे को जन्म दिया, पालन पोषण किया, दूध पिलाया, पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, और जवान होने के बाद मेरा पति बना करके मेरी ड्यूटी में लगा दिया। बेटा उसका है, माल उसका है, पर ड्यूटी मेरी कर रहा है, रात दिन ड्यूटी तुम्हारे पास कर रहा है। तो ये सासू ने कितना बड़ा त्याग किया है, अपने बेटे को मेरी सेवा में लगाया है। धन्यवाद दीजिए अपनी सासू को। सास ससुर को धन्यवाद दीजिए कि इन्होंने इतना अच्छा मकान बनाया, इतनी अच्छी जमीन सुरक्षित रखा, इतनी व्यवस्था, सामान सब,
हमको मुफ्त में मिला है, ऐसे सास ससुर को हम धन्यवाद देते हैं और उनके पैर छू लिया करो, उनसे वाद विवाद मत किया करो। सासों को अपनी बहू के बारे में भी सोचना चाहिए कि अनजान घर की बेटी और मेरे घर में विश्वास पर आई हुई है, कितना भरोसा लेकर आई है, सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, वेतन लेती नहीं है, झाड़ू लगाती है तो स्वीपर का काम है 5,000 वेतन चाहिए, कपड़े धोती है धोबी का काम करती है 5,000 महीना वेतन चाहिए, भोजन पकाती है रसोइया का काम करती है 5,000 महीना वेतन चाहिए, फिर पैसे रखती है कैशियर खजांची का काम करती है इसका 10,000 महीना चाहिए, और फिर बच्चों को पैदा करती है तो इसका भी वेतन चाहिए, और फिर तुम गलती करते हो तुमको डांटती भी है इसका भी वेतन चाहिए, तो 50,000 रुपये महीना वेतन तो उसका यही हो गया, तुम देते कितने हजार महीना हो, केवल 10-5,000 दे पाते हो, इसलिए अपनी पत्नी को भी धन्यवाद दिया करो और अपने बहू को भी धन्यवाद दिया करो कि इतना दिन रात काम करती है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे लोग बग्घी में लाना चाहते थे, एक घोड़े पर बिठा के लाना चाहते, मैंने कहा मेरे शिष्य को घोड़े पर बिठा देना, तो घोड़ा ही नहीं लाए, तो मुंडी गाड़ी पर सोफा लगा कर लाए, तो मैंने कहा मुंडी गाड़ी पर भी मैं नहीं बैठूंगा, मेरा शिष्य बैठेगा, मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता, तो मेरा शिष्य है उधर, हाथ उठाओ, है कहाँ है वो बोला मैं नहीं बैठूंगा आपकी सीट पर, हमने कहा बैठ जाओ माला पहना देता हूँ, तो उसको माला पहनाया और हमने उसको कहा बैठ, तो बैठ गया, तो वो संकोच शर्म कर रहा था, गुरुजी की जगह हम बैठे, लोग देखेंगे ये कौन और दूसरा बैठे, बैठ के आया, क्योंकि ये शिष्य भी महान है जो सुबह से लेकर शाम तक मैनेजमेंट को संभालते हैं। घर में भी प्रेम होना चाहिए, आश्रम में भी प्रेम होना चाहिए, और घर में नियम भी बनाना चाहिए, आश्रम में भी नियम बना करो और परिश्रम भी करो और प्रसन्न भी रहो, अपने बूढ़े माँ बाप को जब देखा करो तो हल्का मुस्करा दिया करो, अपने सास ससुर की ओर देखा करो तो मंद मंद मुस्करा दिया करो, लेकिन ऐसे ढंग से मत मुस्कराना कि उनको लगे मेरी हंसी कर रहे, हाँ और उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, सम्मान की दृष्टि से मुस्कराना, अपने घर में अपने से बड़ों के रोज पैर छू लिया करो, नमस्कार कर लिया करो, नमस्कार करने से पैर छूने से अहंकार की मृत्यु होती है और अहंकार के मरने से क्रोध का भी नाश होता है, क्रोध का बाप अहंकार है, यदि अहंकार मर जाता है तो क्रोध पैदा ही नहीं होता, इसलिए अहंकार को मारो, धनवान बनो पर धन का अहंकार मत करो, कार में चलो पर कार का अहंकार मत करो, एरोप्लेन में चलो लेकिन जिंदगी को प्लेन ही रखो। मैं दिल्ली से छत्तीसगढ़ जा रहा था तो छत्तीसगढ़ का एक विधायक दिल्ली हवाई अड्डे पर मिला, मेरा प्रेमी था सनम जांगड़े, तो मैंने कहा आइए सनम जांगड़े, बोले मैं तो आपको ढूंढ ही रहा था, एक पास बैठे, तो मेरे पास में मूंग की दाल उबाली हुई थी, तो मैंने कहा लो थोड़ा खाओ, तो बोले गुरुदेव चम्मच है क्या, हमने कहा चम्मच उम्मच कुछ नहीं, हाथ पर लो और बचपन जैसे खाओ, तो विधायक मुस्कराया, बोला गुरुदेव आप कैसे खाओगे, मैंने कहा मैं भी ऐसे हाथ से खाऊंगा, चम्मच उम्मच नहीं है, तो मैं थोड़ा खाता था फिर उसको थोड़ा देता था, तो कह रहा था गुरुदेव इस तरह तो मेरी माँ ने भी नहीं खिलाया है, हमने कहा माँ की माँ हूं मैं इसलिए खिला रहा बहुत खुश हुआ और उसको खिलाया। कभी कभी साधारण लोगों जैसे गरीब जैसे भी भोजन कर लिया करो,
और कभी कभी योग संयोग बने तो राजा महाराजाओं जैसे सेटिंग से भोजन भी किया करो। मकान बनाइए तो ऐसा आलीशान बनाइए, सारी व्यवस्था टाप की बनाइए। एक पैसा दारू पर मत खर्च कीजिए, न पान पुड़िया पर खर्च कीजिए, न बीड़ी सिगरेट पर खर्च कीजिए, न अफीम पर खर्च कीजिए। एक पैसा आर्केस्ट्रा डांस पर भी मत खींचिए। जितना पैसा है उसको आप अच्छा मकान बनाने में खर्च करो, अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने में खर्च करो, अच्छी गाड़ी लाने में खर्च करो, और शिमला में जैसा प्रवचन हो रहा ऐसा समागम कराने में पैसा खर्च करो, तो आपका पैसा कमाना सार्थक होगा। आपका मकान ऐसा हो स्वर्ग में कोई आपको मकान मिलने वाला नहीं, मकान को ही स्वर्ग जैसा बनाइए। और मकान में धीरे बोलिए, मकान अच्छा हो मकान में रहने वाले लोग भी अच्छे होने चाहिए। धीमी आवाज में बात करो, सामान की आवाज भी मत होने दो, प्रसन्न चित्त रहो अपने घर के अंदर। हर कार्य में सहयोग कीजिए, चींटियों से सीखो सहयोग से काम करना, मधुमक्खियों से सीखो प्रेम से आपस में मिलजुल करके एक साथ में सो जाना, भौरों से सीखो फूलों की वाटिका में गुंजार करना, तितलियों से सीखो कुछ नहीं है उनके पास फिर भी उस वाटिका में जा करके वे नाचती रहती हैं, ऐसे तुम भी अपने घर की वाटिका में नृत्य करते रहो, मस्ती से जिंदगी जीते रहो, ये इनसे भी सीखा करो। दुखी मत हुआ करो, दुखी होने वाले कर्म भी मत करो। आत्मा अजर और अविनाशी ही सिद्धांत को पूरा समझ लो। आज हमारे एक संत जी चिरंजी जी हैं, कह रहे थे गुरुदेव एक ही तिथि में, एक ही दिन में, एक ही तारीख में, एक ही वक्त में, एक ही पल में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, लेकिन इतना फर्क क्यों पड़ जाता है? एक राजा महाराजा बनता है, दूसरा भिखारी बनता है। एक आत्मा ऐसी जन्म लेती है जिसको सब दर्शन करना चाहते हैं, दूसरी आत्मा उसको कोई फूटी आंख से देखना नहीं चाहता, इतना फर्क क्यों? तो मैंने कहा इसी फर्क से सिद्ध होता है कि आत्मा अमर है। आत्मा का पुनर्जन्म होता, आत्मा का पूर्व जन्म होता, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है। यह आत्मा जो भी कर्म करता है, किसी भी शरीर में किया हो, किसी भी जन्म में किया हो, वो सब कर्मों के संस्कार के अनुसार ही हमें आपको जन्म मिलता है, घर मिलता है, गांव मिलता है, माता पिता मिलते हैं, वो कर्म के अनुसार ही मिलते हैं, वो भाग्य के अनुसार ही मिलते हैं, और कर्म ही भाग्य बनता है। इसलिए अगर आप चाहते हो अच्छे गांव में जन्म हो, अच्छे घर में जन्म हो, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे भाई बहन मिले, अच्छे पति पत्नी मिले, अच्छे गुरु जी मिले, अच्छा समाज मिले, अच्छा पड़ोसी मिले, तो इसके लिए बहुत पुण्य करना, सत्कर्म करना, भक्ति कर्म करना, उदारता के साथ सेवा परोपकार करना, तो आपका जन्म बहुत अच्छे गांव में मिलेगा, फिर शिमला गांव में ही जन्म होगा। ये कोई साधारण बात नहीं, अच्छे घर में जन्म लेना। कौन चाहता है किचकिच वाले घर में हम पैदा हो, लेकिन फिर भी किचकिच वाले ऐसा घर है जहां किचकिच बहुत है, किचन बिल्कुल नहीं, किचन है नहीं, किचकिच मचा हुआ, किचकिच खत्म हो तो किचन शुरू हो जाए। जिसके घर में ज्यादा किचकिच रहता वहां किचन नष्ट हो जाता है, और जहां किचकिच खत्म हो जाता वहां किचन बन जाता है। इसलिए घर में किचकिच मत मचाओ, झगड़ा मत मचाओ, गम खाना भी सीखो। और इस जीवन में जो भी तुम अपने माता पिता के साथ व्यवहार करोगे, सास ससुर के साथ व्यवहार करोगे, अपने पत्नी के साथ में जैसा तुम व्यवहार करोगे, उसका कर्म फल तैयार होगा, वही भाग्य बनेगा। ये मत सोचना कि तुमने जो अपनी पत्नी को सताया है तो तुम बचोगे, नहीं नहीं, ये पाप लगेगा, कई जन्मों तक तुम सताए जाओगे। माता पिता को दुख दिया है, कई जन्मों तक तुम दुख पाओगे। अपने बेटों को बर्बाद किया है दारू पी पी करके, तो तुमको कई जन्म इस आत्मा को भटकना पड़ेगा।
बेटे बहुओं को भी दुख मत दीजिए, पड़ोसियों के प्रति भी उपकार की भावना रखिए, सबके मददगार बनिए, अच्छा कार्य कीजिए, पूरे गांव के लोग मिलकर के योजना बनाइए कि अपने गांव में भी गुरुदेव को बुलाकर सत्संग कराएंगे। आज जैसे हम शिमला गांव में सुनने के लिए आए हैं, ऐसे अपने गांव में हम सत्संग कराएंगे तो शिमला वाले हमारे गांव में सुनने आएंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। और कर्म का फल कभी खाली नहीं जाता है। कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता ही है। दो पंक्तियां गाइए भाव से। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। गाइए रामेश्वर। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। आपको अच्छा पुत्र मिला है, बुद्धिमान पुत्र मिला है, समझदार बेटी मिली है, समझदार बहू मिली है, समझदार पत्नी मिली है, समझदार माँ बाप मिले हैं, चाचा चाची भी बड़े अच्छे विचार के मिले हैं, पड़ोसी भी अच्छे मिले हैं। तो याद रखना, आपके पिछले जन्म के कोई पवित्र सत्कर्मों का ये फल है, उसी प्रभाव से ये सब मिले। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। वाह वाह, मिलता यही है। मुस्कराते हुए गाइए। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। एक अंग्रेज ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसके साथ में एक मुस्लिम भाई भी यात्रा कर रहा था। दोनों में प्रेम हो गया ट्रेन में बैठे बैठे। आदमी का जिससे प्रेम होना है तो एक मिनट में हो जाता है, और प्रेम नहीं होना है तो जिंदगी भर साथ रहो, आंख गुरते गुरते ही जिंदगी निकल जाती है, प्रेम होता ही नहीं। एक झलक देख लो प्रेम हो जाता है, फोटो देखकर भी प्रेम हो जाता है फोटो से। तो अंग्रेज और मुस्लिम भाई का प्रेम हो गया, तो अंग्रेज रेलवे जंक्शन पर जब ट्रेन खड़ी हुई तो उसने कहा मुस्लिम भाई से कि भाई जान, मेरे सामान की सुरक्षा करना, मैं थोड़ा नाश्ता करने जा रहा हूं स्टेशन पर। मुस्लिम भाई ने कहा चिंता मत करो, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेज नाश्ता करने गया और ट्रेन चल पड़ी। जब चल पड़ी तो अंग्रेज दूसरे डिब्बे में बैठ गया, बुद्धिमान था। आजकल ट्रेनों में एक डिब्बे से सभी डिब्बों में जाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था है। अंग्रेज ढूंढते ढूंढते अपने डिब्बे में आया,
मुस्लिम भाई से कहा कि धन्यवाद है आपको, मेरा सामान कहाँ है भाई जान? तो मुस्लिम भाई ने कहा आपका सामान हवा खाने गया है। बोले सामान भी हवा खाता है? उस मुसलमान भाई ने चलती ट्रेन में अंग्रेज का सामान सब फेंक दिया बाहर। कुछ लोग शरारती टाइप का दिमाग होता है तो फालतू खुराफात करते रहते, फेंक दिया सूटकेस ब्रीफकेस सब फेंका, कीमती कैमरा था वो भी फेंक दिया। अंग्रेज ने कहा मेरा सामान हवा खाने जाता है, हिंदुस्तान में सामान भी क्या हवा खाता है? बोले हिंदुस्तान में तो आदमी भी हवा खाता है, यहां हवा ही खाते हैं, और ऐसी हवा खाते हैं दोबारा आते ही लौट कर। एक घंटे बाद दूसरा जंक्शन आया। मुसलमान भाई ने कहा कि मुझे नमाज पढ़नी है, मैं प्लेटफार्म पर चादर बिछा कर नमाज पढ़ूंगा। मुस्लिम भाई 5 बार नमाज करते हैं, अल्लाह इलिल्लाह उलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहीमिल्लाह और फिर रहीमतुल्लाह। ये नमाज, ये उनकी पूजा, और फिर कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, और फिर गाय को मारकर खाते हैं, भैंसा को मारकर खाते हैं, बकरा को मारकर खाते हैं। तो ये अल्लाह इलिल्लाह उलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहीमतुल्लाह और फिर ये भैंसा और गाय कैसे खा लिया, ये कैसे खाया? और जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय और भैंसा और बकरा क्या खुदा से जुदा है? ये गाय भैंसे में तो बहुत बड़ा जर्रा है, तो इसमें तो बहुत बड़ा खुदा है। गाय को मारोगे तो खुदा मर जाएगा, गाय के खाओगे तो खुदा को खा जाओगे, तो ये नमाज कैसे, ये इबादत कैसे? सोचो मुसलमान भाइयों। और हिंदू कहते हैं कणकण में राम, हिंदू कहते हैं कणकण में राम। तो बकरा और मुर्गा और अंडा खाओगे तो क्या वो कण नहीं? वो तो बहुत कण से बना हुआ बकरा है, तो उसमें तो राम मर जाएगा, राम को खा जाओगे। यही है भक्ति तुम्हारी, इसी का नाम है दया धर्म, इसी का नाम है पूजा। और हिंदू कहते हैं गौ मेरी माता है, तो मैं इनसे पूछा भैंस तुम्हारी कौन है? कुछ बोलते नहीं, तो मैं बोलता हूं गाय माता है, मैं भी मानता हूं माता है, तो भैंस कौन है? वो भैंस तुम्हारी नानी है, उससे बड़ी है नानी है। तो ये बकरी कौन है? ये तुम्हारी सिस्टर है। तो ये मुर्गी मुर्गा कौन है? ये सब पोती पोता है। तो इनके खा कैसे सकते? खाने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी है, बाटी बाफले चूड़मा है, और फिर भी आदमी मछली को खाता है, अंडा मुर्गा खाता है, बकरा खाता है, गाय भैंसा खाता है। धिक्कार है इस आदमी को, इतनी सुंदर मूली गाजर खरबूजा तरबूजा जाम फल खाए आनंद आ जाए, और इतनी गंदी मछली जो दूर से बदबू आती है उस मछली को खाता है और कहता है टेस्ट बड़ा निराला है, क्योंकि इतनी गंदगी और खाने को मिली कहां तुमको। शिमला वाले आज जय बोले, 3 दिन पूरा नहीं बोले, आज उनके मन की बात हुई है। मछली कितनी गंदी चीजों को खाती है, नाक थूक खखार बलगम मछली खाती, गोबर मछली खाती, मुर्दे को मछली खाती, सड़ा गला मछली खाती है, और उस मछली को ये आदमी खाता है और कहता है इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत है। अगर मछली में विटामिन प्रोटीन बहुत है तो जो मछली खाती है उसको डायरेक्ट खा लो, तुम घर वालों से कह दो जितना नाक थूक खखार बलगम है लाओ हम खा लेंगे, डायरेक्ट विटामिन ले जाओ अंदर। इतनी विटामिन प्रोटीन अंदर जाने की जरूरत क्या है, क्या काम है इसमें, कौन ताकत है मछली वछली? मुझे ठीक से याद है मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहां कुश्ती होती थी स्कूल में, कुश्ती
और मेरा भोजन क्या था? बासी रोटी और घी नमक। बासी रोटी, घी और शक्कर, ये बस भोजन मेरा असली था। दाल भात रोटी गरम तो शायद ही मैं खाया हूं कभी घर पे। बासी रोटी और उस पर घी लगा के नमक डाल के काट के खा लेना। ज्यादातर खाते खाते स्कूल जाते थे। और जब कुश्ती होती थी तो तीन लड़कों को अकेले में पटक करके गिराकर एक दूसरे पर लाद कर उसके ऊपर बैठ जाता था। वो सब मछली खाने वाले नीचे दबे पड़े, मुर्गा खाने वाले कुकुरुकू कर रहे। मेरे से पूछते थे क्या खाया, मैंने कहा बासी रोटी घी, गाय का घी और शक्कर और बासी रोटी। बोले इतनी ताकत? तो हमने कहा ताकत याद रखना, ये अंडा मुर्गा मछली मांस में ताकत नहीं होती है, ताकत आपकी साधना और ब्रह्मचर्य में होती है। रीस भालू बंदर तो बहुत थे, लेकिन हनुमान जी में इतनी ताकत कहां से आई थी कि द्रोणागिर पहाड़ उठाकर लाए थे? वो ताकत और कहीं की नहीं थी, उनके ब्रह्मचर्य बल की ताकत थी। और कहां से ताकत आई थी याद रखना, बाकी ब्रह्मचारी नहीं थे, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। इसलिए अगर 20% भी ब्रह्मचर्य का पालन करो तो आपका शरीर चमकता रहे। थोड़ा ये साधना भी करो, ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाने से कोई चमक मकाने वाली नहीं। ये तो कंपनियों में चमक आ सकती है, जो कंपनी का क्रीम पाउडर है उनको तो जरूर पैसा मिलेगा, चमक जाएंगे। पर तुम सोचो हम कोई क्रीम रगड़ कर बहुत सुंदर हो जाए, कुछ नहीं। आपन तेज समारोह आप है, तीनों लोक हांकते कांप है, तेजस्वी बनो। कम भोजन भी कीजिए, गहरी नींद सोइए, नींद ना आए जब तो उठ करके पढ़िए, लेटे लेटे पढ़िए। आज हम 1 बजे रात में पढ़ रहे थे, चाणक्य नीति का अध्ययन कर रहे थे। मैं सिरहाने एक इमरजेंसी लाइट रखता हूं, उसको जला देता हूं, लेटे लेटे पढ़ता हूं। 50 श्लोक पढ़ा, झर 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 झर, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, लाइट जलती रही, किताब साइड में गिर गई। अध्ययन किया करो, लेटे लेटे धर्म ग्रंथ को पढ़ो, आप देखो गहरी नींद आएगी 10 मिनट में। सोने जाओ नींद ना आ रही हो, लेटे लेटे प्रवचन सुनो, आपको गहरी नींद आ जाएगी। मैंने सुना है नीमच जिले के विधायक पप्पू बना कह रहे थे कि गुरुदेव जिस दिन नींद नहीं आती आपका प्रवचन सुनता हूं 10 मिनट में नींद आ जाती है। प्रवचन नींद भी देता है और प्रवचन माया मोह की नींद को तोड़ भी देता है। शरीर को नींद दे देता है लेकिन माया मोह की नींद को तोड़ भी देता है। ये प्रवचन दोनों काम करता है, आपके मन को चिंता मुक्त कर देता है। यहां प्रवचन की पेनड्राइव 150 घंटे का प्रवचन आया हुआ है, 60 घंटे का प्रवचन भजन मेमोरी कार्ड यहां साहित्य की दुकान पर मिल रहा है। और ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें सार सार असंग विचार माला जिसमें हजारों कोटेशन लिखा हूं, सोच सोच करके कि भंडारी पर कोटेशन, नारी पर कोटेशन, ड्राइवर पर कोटेशन, नेता पर कोटेशन, साधु पर कोटेशन, गृहस्थ पर कोटेशन, सब के ऊपर, भोजन पर कोटेशन, उसको पढ़ो तो जिंदगी का रोटेशन सही हो जाएगा। जीने की राह पुस्तक है, उसको पढ़ो। सुख की खोज जिंदगी जिए तो कैसे, ऐसी ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें खरीद कर ले जाइए, अपने दामाद को दीजिए, चाचा को दीजिए, लोगों को बांटिए। शिव शंकर सिंह सासाराम रोहितास जिला बिहार के 600 बाजा खरीद करके, 600 पेन ड्राइव खरीद करके प्रवचन भजन उसमें भरवा करके निःशुल्क बांट रहे हैं।